Hey, what is up, guys? Welcome back. So, guys, welcome back to the Ark Survival Evolved. No, guys. Ark Survival Evolved का modded version में. हाँ, guys, अपन खेलने वाले modded. बहुत time से तुम लोग request कर रहे थे कि कोई mod pack खेलो. So, यार, guys, मैंने एक mod pack at least बनाया. बहुत ही खतरनाक से और बहुत ही मजेदार. और इस mod pack में सबसे पहला बता दूँ, ये original Ark का full to full copy नहीं है. इसमें बहुत सारे चीज़ अलग होने वाले. तो कोई original Ark के साथ ये mod Ark को compare मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उल्टे सा भाई खतरनाक सिलसिला होने वाला है. तुम लोग अगला एपिसोड देखते रहना, और ऐसा खतरनाक चीज़ें होता रहेगा जो ओरिजिनल आर्क में पॉसिबल नहीं है. और सबसे बता दूँ, मैंने इसमें गॉड कंसोल नहीं डाला. सो सोच सकते हो क्यों नहीं डाला, नहीं तो यार मज़ा ही नहीं आएगा. सो इसलिए तुम्हारा भाई ऐसे करेगा. बट अपन इसमें क्या डाला पता है, 100x बूस्ट डाला. सो मतलब जो भी करूँगा कितने सारे रिचोर्स मिल रहे देख सकते हो, और बहुत ही खतरनाक. कोई भी अपन पेड़ को मुक्का मारेगा 100, 400 ऐसा कुछ खतरनाक मिल रहा है भाई. मतलब बहुत ही मस्त मॉड हुए हुए ये. और यहाँ से भाई बेरी 200 करके फाइव आर भाई 400, 700 ऐसा कुछ. मतलब खतरनाक फार्मिंग रेट, एकदम खतरनाक बूस्ट वाला बनाया, ठीक है. और क्या है बोलो, और जस्ट इससे सीक्वेंस काटेंगे तो भाई फाइव आर कोई दिक्कत नहीं. मतलब रिचोर्स का कमी नहीं होने वाला. और आई नो दैट तुम लोग बोलोगे ब्लैक पल का क्या करोगे, और उसके भी जुगर मैं कर लिया. टेंशन मतलब पोलीमार और ब्लैक पल के लिए. और हाइट का भी कोई दिक्कत नहीं, ना कैराटिन का दिक्कत है, क्योंकि बहुत बहुत कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है ऐसे बोल सकते हो. 2 डायना मारेंगे तो 5k ऐसे हो जाएगा. तो मतलब भाई मजा आने वाला सीरीज, और ये बहुत ही स्पीड में खर्च कर मतलब ख़त्म करूँगा ये सीरीज. सो मज़ा भी आने वाला है. और यहाँ पे कुछ बहुत स्केलेटन टेलेटन सब कुछ होने वाला है. मतलब हर चीज़ मिला के होने वाला है ये अपना फुल सीरीज. तो आई होप तुम लोग समझ में आ गए. और यहाँ पे अपने बहुत सारा तैयारी कर लिया तुम लोगों के लिए. और अपन स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे एक टैग बेस से, छोटा सा टैग बेस बनाएंगे. और नेक्स्ट टाइम जब अपन एंड करेंगे तब तक अपन एक कैसल बना लेंगे टैग का, बहुत बड़ा सा कैसल. अभी फिलहाल इस एपिसोड में चलो शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं. तो यार फिलहाल हो चुका है, नाइट हो रहा है. सो अपन सबसे इजी तरीका यूज़ करेंगे. अपन के पास बैट तक नहीं है, ठीक है, इसलिए अपन शैडो ट्री स्टिक यूज़ करेंगे. भाई बैट भी लगाना चाहिए हमको, क्या सीन है. तो फिलहाल तो अपन शैडो स्टिक के मदद से नाइट को डे फिर कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले कुछ अपन यहाँ से ले लेते हैं फाउंडेशन, इजी पीजी है. और गाइस और एक बात बताना भूल गया, बहुत सारा एम्बर भी डाला हुआ है इस मॉड पैक में, ठीक है. एंड फटाफट यहाँ पे लगाते हैं और अपन सीधा रिप्लिकेटर से स्टार्ट करेंगे अपना बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है. अपने पास रिप्लिकेटर भी अपने बना लेता. सो फटाफट यहाँ पे अपन ये वाला फाउंडेशन को चिपका देते हैं, बहुत इजी एंड सिंपल लाइन कुछ चिपका देते हैं. और फिर अपन रिप्लिकेटर में बनाएंगे अपना सारा जो खतरनाक चीजें से एक्चुअली टैक का बेस बनाएंगे छोटा सा. उसके लिए जितने से सामान है सब डालेंगे. सो सबसे पहले इस रेफली को सेट करते हैं, मॉड एट खेलेंगे, मज़ा आएगा. ओरिजिनल भी आएगा, उसका भी एपिसोड जो चल रहा है उसका भी आएगा. सो साथ ही साथ इसका भी, इसका तो बहुत ही कंटिन्यू करूँगा, फटाफट ख़त्म कर दूंगा इस मंथ के अंदर ही ये मॉड पैक का गेम प्ले. तो फटाफट देखते हैं, एलिमेंट होना चाहिए यहाँ पे बहुत सारा, बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत ना है, ले लेंगे. और ओके, जेनी वेनी बनाया हुआ है, बहुत सारा चीज़ें बनाया हुआ है अभी. ओके, सो सारी तैयारी हो चुका है. अभी गैस आप उनको ओके, अभी गैस हम लोग एक ग्रिंडर बना लेना चाहिए. एंड इसके मदद से गैस आप उनको ब्लैक पल का कमी नहीं होने वाला, ना पॉलीमर का, ना क्रिस्टल का, ना मेटल इनगोट का. आई होप तुम लोगों को पता हो गया क्या सा करूँगा गैस. तो आई होप तुम लोगों को पता है कि हम लोग कुछ टैक का सडल खरीद सकते हैं, ठीक है. जस्ट टैक का सडल खरीदेंगे और ग्राइंड करेंगे, और आप उससे रिचूज वापस मिल जाएगा, और उससे आप उनका टैक का बेस का सामान बनाएगा, जैसे टैक फाउंडेशन सब कुछ बना लेंगे. सो लेट्स गो, वही यूज़ करने वाला हूँ, नहीं तो यार कौन जाके कहाँ से फार्म. देखो ऐसे तो फार्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, बट क्यों जाना भाई, यहाँ पे बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, तो पॉकेट का फार्म क्यों करना. सो इसी वजह से तो ब्लैक फैल फार्म करना तुम लोगों को पता है क्या ही दिक्कत है, ढूंढो अल्फा मोसासर वोसासर. तो फटाफट अपन यही करेंगे ब्लैक फैल के जुगर. एंड ओके, ये अपन फटाफट से कुछ सेटल कर देंगे. ओके ठीक है, खरीद लिया ना, अभी जस्ट इनको ग्राइंड करेंगे. और इस प्रोसेस से अपन नेक्स्ट टाइम एक बहुत बड़ा सा कैसल बनाएंगे. अभी पहला एपिसोड में से देखते हैं कितना छोटा सा बेस बना सकते हैं. और कैसल इधर नहीं बनाऊंगा, कोई अलग प्लेस चूज़ करूंगा जो बड़ा सा हो, क्योंकि और एक बात जो आपने बहुत अनलिमिटेड डाल लो, शायद बहुत ज़्यादा डाउनलोड टेम कर सकते हैं, 1 मिलियन शायद था ना, उतना ही कर सकते हैं. तो दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं करने वाला अपन, तो ऐसे करेंगे 200-300 टेम करेंगे इसमें. सो दैट्स इट, देखते हैं इतना डाइनो तो
इम्पॉसिबल है टेम करना मेरे लिए, वन लैग ही बोलो, जस्ट 200 से 300 करूँगा अलग अलग, मतलब बहुत सारा और बहुत सारा चीज़ें भी होने वाला है। सो वाइट जस्ट फुल सीरीज देखना, जो भी पहला सीरीज देख रहे हो मैं तो बोलूँगा फुल सीरीज देखना, मजा आने वाला है सीरियसली। सो गाइस फटाफट अपना तैयार हो चुका है, तुम लोगों ने देख लिया मैंने कितने स्पीड में कितने सारा चीजेस कर लिया, आई मीन टेक का जुगाड़ टेक्स चीज का। सो फटाफट कर लेते गाइस, अपना पॉलीमर का भी कमी नहीं होने वाला इसकी मदद से, अभी फटाफट से बहुत सारा फाउंडेशन बना लेते हैं और बहुत सारा अगेन कर लेते हैं ग्राइंड, और इसके साथ कितने सारे ब्लैक फॉल पोली मोली, कितना ईजी है ना यहाँ पे वेड ब्राइट के सारा चीज़ करने में। तो लेट्स भाई मॉड पे के ओरिजिनल के साथ कंपेयर मत करना, पहले बता देता हूँ। तो गाइस फटाफट अपन यहाँ पे बना लेते छोटा सा अपना एक बेस, और यहाँ पे मैं नहीं बनाने वाला, मेरा मेन बेस कहीं हुआ है और होगा कैसल जैसा बनाऊंगा ना, बहुत बड़ा से रह चाहिए क्योंकि 300 से 400 मतलब 200-300 डायनो के लिए तो प्लेस चाहिए ना, यहाँ पे तो 300-200 आन के रखूँगा। गीगा ही सोचो 20 पकड़ लिया गीगा तो यहाँ पे क्या होगा, लैग ही हो जाएगा। सो मेरे को नहीं चाहिए वो लैग ही चीजें, बहुत बड़ा सा एक प्लेस ढूंढूंगा। तो अभी यहाँ पे तो शो अप के लिए गाइस मैंने छोटा सा एक मेरा टैग बेस पहले बना लिया, और यहाँ पे बोल सकते हो वाटर डायनो रखेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। सो दैट्स इट, बहुत ही खतरनाक है ना है वो बना हुआ है। अभी इधर कुछ बनाएंगे एंड इधर मतलब रिप्लेटिपली लगाएंगे, और ये बोल सकते अपना वाटर का लिए मतलब वाटर डायनो का ही बेस बना रहा है ऐसे बोल सकते, मेन बेस को ये करूँगा। सो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में तो अपन वाटर का डायनो का बेस ही बना लेते हैं सबसे पहले, एंड साथ ही साथ कुछ टेम भी करेंगे और ब्रीड भी करेंगे अपना मनपसंद चीजें। एंड आई होप तुम लोग पता है कौन सा मेरा मनपसंद चीजें होने वाला है पहला एपिसोड में। सो ये पहले तो मेरे पास एक फीटी है, मैंने क्यों पकड़ लिया था पता नहीं। सो फिलहाल गाइस अभी ऊपर चलते हैं और अपना जो टैग जनी है बेबी ऊपर लगा दूंगा मैं। सो देखते हैं क्या क्या करते हैं। सो यहाँ पे अपन ऐसे बना लिया टैग का हेज फ्रेम, सो टैग का हेज फ्रेम में टैग का टैपडोर लगा देते हैं। ऐसा मजा आता था पीसी की तरह, एक होता है ना प्रेस करते सीधा ऊपर ले आता है, वो चीज़ें से आना चाहिए, मतलब बहुत नए अपडेट में बहुत सारा चीज़ें लाना चाहिए उन लोगों को। ओके ठीक ठाक है, लिफ्ट की तरह जैसे है ना ऐसा कुछ चीज़ें होती है ना जो प्रेस करते ऊपर ले जाता है, वो चीज़ भी बहुत है। आई होप तुम लोगों को ठीक ठाक लग रहा है मेरा बेस। A little longer than a few minutes later. तो इसी के साथ गाइस मैंने फुल कंप्लीट कर लिया मेरा छोटा सा वाटर वाला मतलब यहाँ पे बेस। सो जो अंदर से कुछ कूल नहीं है आ रहे हो, बाहर से कुछ कूल क्या है बोलो टेक का बेस है, क्या लगेगा खतरनाक वाला बेस वाइट कर रहा है। और कोई सजेशन कर सकते हो कौन सा बेस बनाऊँ, कैसल बनाऊँ या कुछ और, या मेरा कुछ खतरनाक, देखो एक बेस बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि सोचना पड़ता है क्या क्या करूँगा, क्योंकि YouTube में है ऐसा बेस मैं नहीं बनाता, मतलब YouTube में नहीं है ऐसा बेस मैं बनाता हूँ, ठीक है। सो इसलिए मेरे को सोचना पड़ेगा और बहुत बड़ा सा बेस का डिजाइन सोचना होगा, ठीक है। सो दैट्स इट, तो यहाँ पे अपना टैक रिप्ली और कुछ सामान वामान लगा दिया, और यहाँ पे टैक टेलीपोर्टर, और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात अपना जो मॉड पैक है वो है ब्रूटल कैजुअल, ब्रूटल मतलब 450 लेवल मैक्स, डंजन में जाऊँगा तो हर डायनो 450 लेवल है। सो वो डंजन भी करेंगे, डंजन का डायनो भी चाहिए एरी वाला, ठीक है। सो सब करेंगे इस मॉड पैक, भाई मजा आने वाला है सीरियसली मैं बता दूँ तो, को भी मिस मत करना एक भी एपिसोड। तुम लोगों को रिक्वेस्ट पे मैंने ये मॉड पैक बनाया, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से, एक्चुअली मेरे दोस्त के भी थोड़ा सा हेल्प लिया, थोड़ी ना मैं बनाता हूँ। सो दैट्स इट, और यहाँ पे अभी ढूंढते और एक पैटर्न, एक फीमेल मिल जाए ना अब मजा आ जाएगा सीरियसली बोलो तो। सो यहाँ पे कुछ पीटी देख रहा है मेरे को। सो हाँ अगर इस पीटी का कोई अच्छा सा नाम बताना प्लीज़ यार, बहुत ही अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है, जो किसी ने नहीं डाला हो ऐसा। एंड ये देखते हैं कितना पेट्राडाउन 135 लेवल, मेरे को नहीं चाहिए, कम से कम 200 प्लस होता तो एक पकड़ लेता हूँ, और ऊपर से मेल है, मेल तो मेरे को चाहिए भी नहीं। सो इसका 240 लेवल है गाइस, इसको धप लेते हैं, चलो जो भी मेल फीमेल फ़र्क नहीं पड़ता, बट धपना चाहिए मेरे को। सो आने दो इसको, थोड़ा सा वाइट करना पड़ेगा, सो हाँ का वाइट भी कर लेते हैं, दिक्कत नहीं है। तो वाइट करने के बाद गाइस फाइनली अपना पेट्राडाउन नीचे आ चुका है, अभी फटाक से इसको बला करते हैं, फिर इसको खतरनाक तरीके से मारते हैं। और मैं एक बात बता देता हूँ, इसमें कोई इन्फिनिटी वाला चीज़ नहीं है, जो नॉर्मल है सब कुछ नॉर्मल है, जस्ट क्या है बूस्ट है एम्बर है और बहुत सारा डायनो टीम कर सकते हैं, ये थ्री टाइप का मैंने इस मॉड पैक के डाला, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अनलिमिटेड हेल्थ अनलिमिटेड अनलिमिटेड एरो अनलिमिटेड, ऐसा कुछ नहीं है, अनलिमिटेड का कोई सीन ही नहीं रखा मैंने, नहीं तो मज़ा नहीं आने वाला सीरियसली। तो पहले बता दूँ अनलिमिटेड का चीज़ नहीं है, बूस्ट है 100x बूस्ट है, जो भी मारो 100x मिलेगा। तो ठीक है अब इसको मिट देते हैं। और एक जो हर एक मॉड पैक का होता है, इस मॉड पैक भी है जो है सुपर टेस्टी मीट। अब तुम लोगों को पता है सुपर टेस्टी मीट से क्या होता है, एक ही मीट देना होता है, कोई भी डाइनो टीम हो जाता है, तो दैट्स इट, उस मीट को ले आता हूँ, वो भी है भाई, तो ले आते हैं फटाफट से। ओके यहाँ पे अभी टू फ्रीज में मैंने रखा था प्यार से बना के। ओके ये रहा सुपर टेस्टी मीट्स, एंड ले आते
फटाफट और यहाँ पे कुछ भाई भाई हुई है एंड ओके दैट्स इट नाइस, मजा आने वाला है सीरीज से बोलो तो। एंड नेक्स्ट बॉन्ड भी है, बॉन्ड डायनो भी होने वाला है टेमिंग, क्या बोल रहे हो उसके लेटन डायनो। और जो भी सोच रहे हो कि मैं पहले वाला एक मॉड तुम लोगों को शेयर किया था बहुत पहले, अब तो मैं नहीं करता बहुत पहले, तो अब जो स्केलेटन डायनो का मॉड पैक है और ये मॉड पैक बिल्कुल अलग है, इसमें 100x बूस्ट भी, बहुत सारा चीज़ें नया नया। तो इसी के साथ गाइस अपना सेकंड पेट टाइटन टीम जो फीमेल है तो अपन इसको ब्रीड कर सकते हैं। चलो यार ओपी तरीके से ब्रीड करते हैं मॉड स्टाइल पे। ओके आना दो, ओके आ गया आ गया आ गया, मेरा जान आ गया। तो ओके अब इसको स्टॉप कराते हैं, ये हो चुका है स्टॉप। एंड एक सेकंड इसको भाई बैठ जाओ, अब इसको सैडल सैडल का सही जुगाड़ है क्या तुम लोगों को पता है क्या करूँगा गाइस, जस्ट अपन यहाँ पे एक होता है ना बाय करने वाला, इससे ले लेंगे सैडल। ओके रेडी से यहाँ पे सैडल मिल जाएगा अपनों को पेट्राडोन का, आई होप ये मिल गया। 67 बाई ब्रूटल है, 100 तो प्लस दिखाओ, एक्चुअल 100 प्लस है, बट इसके लिए बहुत सारा सामान चाहिए, इतने सारा सामान कौन फार्म करेगा। एंड इसको देते बहुत सारा मीट्स, उसको खाना देता और इन दोनों को प्यार करते हैं यानी मेटिंग कराते हैं। फिर एक मेरा मस्त वाला हर एक डनो एक एक मेरे लिए मस्त वाला बना लूँगा कलरफुल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा ईडी पे, पहले तो नॉर्मल डायनो सब पकड़ेंगे, फिर ईडी डायनो सब पकड़ेंगे, फिर बॉन्ड डायनो सीरीज का पहले बताता हूँ, फिर खतरनाक फाइट वाइट सब कुछ होने वाला है। और ओके टॉय यू यू एक ले लेते हैं और कारण ओवियर भी एक ले लेते हैं। ओके डन, और ईडी कैंडी 10 ले लेते हैं फिलहाल, आई होप इससे इम्प्लेंटिंग हो जाएगा। और अभी इस फीमेल को आप फेरामोन को ठूस देते हैं, ओके इसका मुंह पे ठूस दिया, ओके इसको फेंक के इनेबल वेंडरिंग मारा, तो अभी वेट करते हैं। सो इसी के साथ गाइस फटाफट इसका हो चुका है मेटिंग्स यानी कंप्लीट होने वाले है 8% 92, ओके नाइस। एंड इसको करते हैं ऑफ, अंडा आ चुका है यानी एग्स, थोड़ी देर में बेबी भी आ जाएगा। और ओके अभी अपना मन पसंद वाला पैटर्न बना दे, मन पसंद किया कलरिंग थोड़ा सा ही करेंगे, रेड ही कर देंगे, इसका दिक्कत ना है। तो नो 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 नो, इसके लिए थोड़ा सा मीट ले लेते पहले, इसका कितना मिलेगा देखो, पूरा 4.7 के हाइट मिला जस्ट पैरासोर से, भाई क्या ही सीन हो रहा है क्या ही क्या सीन हो रहा है। तो लेट्स गो गाइस एंड ओके ओके नाइस, अभी इसको करते हैं ड्रॉप एंड क्या करना चाहिए इसको फेंकते भाई, मैं हैवी हो रहा हूँ। ओके चलो हाँ हैवी वाला खरीद के नहीं रखना, ओके वाइट वाला खरीद लेना चाहिए, कोई ना बाद में, अभी तो कोई फिलहाल नहीं चाहिए, ले लेंगे। ओके अपना पैटर्न 378 लेवल्स नाइस, एंड इसको करते स्टॉप्स एंड सबसे पहले भाई बैठ जाओ, व्हाट इज दिस व्यवहार। ओके बैठ गया अपना, ये भी फीमेल आया भाई, फीमेल ही फीमेल, इतना फीमेल से मैं क्या करूँगा। तो थोड़ा सा टेस्टी मीट देते हैं, 5 भाई कितना स्पीड में खा रहा है लोंडा। ओके इसको टॉय यू देते हैं और एक बियर देते हैं, आई मीन खेलो ना। तो रैप्टर एक्स सो इजी पीजी, बहुत इजी होने वाला है। ओके इरिगंडी और इसको रैप्टर एक, रैप्टर एक अपन जाएंगे चिप स्टेशन पे, मॉड है भाई सब कुछ होगा यहाँ पे। ओके रैप्टर एक मिल चुका है एंड इसको रैप्टर एक देख के जस्ट फिट करना है अपन को 32%, ओके 3-4 में हो जाएगा 100%, व्हाट इज दिस। अभी ये जाएगा स्टीगो, ओके इसको स्टीगो दिलाते हैं, खा ले भाई स्टीगो की बल, ओके हो चुका है स्टीगो की बल एंड खतरनाक तरीके से हो चुका है, आई होप ब्रीथिंग्स। एंड गाइस फटाफट इसको भी ले लेते हैं, इसी के साथ अपना ये बंदा 100% इम्प्लेंटिंग हो चुका है, और क्या जाएगा 100%, अभी इसको कलर करेंगे सबसे, इसको स्टॉप कराते हैं, रुको जरा एक 1 इरिटोरेट लगा देते हैं। ये बंदे लोग मेरे बेस पे क्यों आ रहा है, बेस नहीं बेस जैसा चीज़ में भाई, बहुत तंग कर रहा है ये लोग। अभी तो ये पीटी का खैर नहीं आज, तो इसको मार गए इरिटोरेट मेरा, लगा देते हैं यार कोई भी आ जाता है दिक्कत कर रहा है। सो इसको लो हाई मीडियम, भाई क्या कर रहा हूँ लो हाई, अब मीडियम में चला गया लो हाई, ओके हाई पे एंड 1 बुलेट इज एनफ फॉर रीडायरेक्ट्स, आई होप ऑलरेडी नो दैट्स एवरीवन, क्योंकि बहुत साल हो चुका है यार क्या होते हो। अभी देखो इसको घुसा से फार्म करूँ, 100
2100 हाइट भाई क्या ही मिल रहा है। ओके अब अगर इसको रेड कलर कर लेते हैं और देखो क्या करेंगे, अपन बहुत सारा रेड खिला देंगे और लास्ट में एक पिंक खिला देंगे। सो इसके अब फटाफट गाइस हमने इसको फुल रेड कर दिया, बाद में इसको पिंक खिला देते। और भी गाइस सबसे मज़ेदार बात है कि इस बार अपने बेड लगा लिया, ठीक है, ऐसे में मत सोचो मेरे को, मैंने इस बार टेक का बेड लगा लिया, पिछले बार बेड ही नहीं था सोने के लिए, अभी दिक्कत ना, अभी सो के डे। ओके इसी के साथ डे चुका है और अपना पीटी कितना परसेंट हो चुका है, बहुत स्पीड में बढ़ रहा है, बहुत स्पीड 47.4%। इसको टॉय यू दिया ना, टॉय यू तो भाई बहुत स्पीड में बढ़ा था इसका मेचुरेशन, ठीक है। सो इसी के साथ गाइस अपन ढूंढते और एक खतरनाक पीटी मिल गया जो ऊपर से फीमेल है। हाँ गाइस आप उनको 240 लेवल का और एक फीमेल मिल गया भाई, मिरेकल पे मिरेकल हो रहा है, वो भी 240 लेवल था, ये भी 240 लेवल। सो लेट्स गो इसको भी धप लिया जाए। सो गाइस इसी के साथ गाइस ये पैटा ऐसे उड़ रहा, सो अब इसको बोला करते हैं फिर फेंकते हैं नीचे, हवा पे भी मार सकते हैं क्या, रुको जरा इसके हवा पे मजा चका देते हैं। ओके भाई साहब बोला हो गया, मजा आ गया भाई, निशाना सही था ना, कितना सही पता नहीं बट सही था। तो चलो इसको मम्मी के इलाज दे देते, वो ये सो गया गाइस सभी, और टेस्ट केक लेके आते हैं। नहीं सबसे पहले थोड़ा सा ऐसे मेरे पास मीट बीट है, उसको खिला देते हैं, खिला देते हैं ऐसे डाल देते हैं। ओके ये बाम फुकट में दे रहा मेरे, ऐसे दे दिया, कोई दिक्कत ना है, कमी नहीं तो ना कमी है अभी, यहाँ पे सब कुछ होगा। सो चलते हैं, लेट्स गो। अभी फटाफट से अपन एक टेस्टी मीट लेते आते हैं उसके लिए, उस बेचारे के लिए, उस बुढ़े के लिए। एंड वन टेस्टी केक इज एन अ फाइन टेस्टी मीट, सो दैट्स इट। ओके कहाँ गए कहाँ गए कहाँ क्या, ओके नहीं 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 होना चाहिए। ओके बॉस इसी के साथ ये भी टेम हो चुका है, और जब अपन ये खत्म करेंगे ना तब अपन के पास बहुत सारा चीज़ होगा, स्टार्ट हुआ। सो लेट्स गो, अब इसको बोल लेते नहीं अभी इसका ब्रीड नहीं करने वाला, वन बेबी है ना अपन के लिए, अपना पीटी एकदम बराबर दो, और फिर जब मौका मिलेगा, जो अभी मौका मिलने के बाद कितना होगा, टोटल 3 फीमेल हो जाएगा। सो तीनों का अंडा निकाल लेंगे, दिक्कत का है, अपन बहुत बना लेंगे, और फिर जो अच्छा होगा वो उसको यूज़ करेंगे अपना मेन पीटी, उसको लेजी पीटी नाम दे देंगे। तो गाइस इसी के साथ अपने टैग जेने भी नहीं लगा दिया, और जिसका गुब्बारा देख रहे हैं ना, किसी ने मेरे को पूछ रहा था किसी गुब्बारा कौन किस चीज से होता है, तो गुब्बारा जस्ट टैग जनरेशन का, सॉरी बोल रहा टैग जनरेटर का ही है, और टैग जनरेटर एक होता है ना शो रेंज और हाइड रेंज, तो हाइड कर देंगे तो नहीं दिखेगा, शो का रेंज करेंगे तो दिखेगा, तो दैट्स इट। अब इसको हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं, नहीं तो देखो ये रेंज कर देते तो थोड़ा सा लैगी भी फील होता है जब बहुत ही बड़ा सा बिजली, अभी तो यहाँ पे लोसोटा सा बिजली, यहाँ पे गलती से भी लैग नहीं होने वाला, जब भाई बहुत सारा डायमंड बहुत बड़ा सा भेज होता है तभी तो लैग होता है ना। सो गाइस इसके साथ अपना जो डायमंड, नहीं सबसे पहले गाइस इस पीटी को यहाँ से हटाओ, अपना जो रेड वाला नया पीटी आया मतलब बेबीज बहुत बड़ा चुका है, अभी उससे उड़ान भरते हैं, और उसका भाई डैमेज में शायद सही होगा, मज़ा आ जाएगा देख के। चलो देखते हैं उसका क्या क्या सीन है, मैंने तो देखा ही नहीं था डैमेज तैमेज कितना था। ओके देखते हैं सीन क्या है, 100% तो है ना इसको, तो इसके बाद सैडल फेन, ओ भाई हेल्थ ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है, स्टेमिना ठीक ठाक है, ऑक्सीजन ठीक ठाक, अर्प आउट किया चाहिए देखेंगे। तो इसको इसको पहनाते हैं मिली डैमेज, देखो गाइस 629 मजा आने वाला है, सीरियस लेवल तो मजा आ गया। आई होप गाइस पहला एपिसोड के हिसाब से बहुत कुछ कर लिया अपन ने, और कुछ आइडिया बताओ, और इस मॉड पैक को भाई मैं बहुत ही एंजॉय करके खेलने वाला हूँ, तुम लोग देखना, आई होप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ होगा ना जो नॉर्मल आर्क में नहीं हो सकता। सो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए खुश रहो मस्त रहो, लव यू ऑल।